हेलो फ्रेंड, पूजा किचन में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। तो हम आज बनाने वाले हैं ओट्स बनाना पेनकेक, जो बहुत ही इजी है, मुश्किल से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप मेरी वीडियो को देख के इंजॉय करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ओट्स बनाना केक के लिए हम यहाँ पर 2 बनाना यूज़ कर रही हूँ और 1 कप यहाँ पर मैं ओट्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बाउल लिया है, अब इसमें हम डालेंगे ओट्स। इसमें हम 1/4 कप दूध डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। दस मिनट के लिए इसे ढक के हम रख देंगे। यहाँ पे मैं बाउल लूँगी, अब इसमें हम केले को डालेंगे। अब इसे मैश करेंगे हम। ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब इसे हम ओट्स में डालेंगे। 10 मिनट हो गया है, अब इसे हम उठाएंगे। इसमें हम देख सकते हैं अच्छी तरह से फूल गया है ओट्स। अब इसमें हम डालेंगे बनाना जो मैंने मैश किया था, इसमें सारा डाल देंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस, आधा चम्मच में डालिए इसमें वनीला एसेंस। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। अच्छी तरह से मिला ली हूँ इसे, अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे पैन यूज़ कर रही हूँ, पैन को थोड़ा गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। दो चम्मच डालेंगे हम और इसे चम्मच से ही चारों तरफ फैला देंगे हम। अब इसमें ये मैंने बैटर जो तैयार किया है इसमें हम डालेंगे। इस तरह से गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे हम, हमें लो में ही पकाना है इसे। अब इसे हम पलटेंगे। रिफाइंड डालेंगे चारों तरफ इस तरीके से। ये देख सकते हैं फ्रेंड, दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इसे प्लेट में हम निकाल लेंगे। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं इसे बना के, बहुत इजी रेसिपी है और जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही यम्मी लगती है खाने में फ्रेंड, आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड, ओट्स बनाना पेनकेक बनके तैयार हो गई है, बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।